नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्ट ट्रेडिंग में। तो चलिए, लास्ट डे है बजट के वीक का, और क्या मार्केट मोमेंटम करेगा। जैसे कि आज बहुत सारा सेलिंग प्रेशर आ गया था मार्केट पे, तो मार्केट उसी तरह मूव करेगा या फिर डायरेक्शन चेंज कर सकता है आखिरी दिन पे। तो सब कुछ देखेंगे हम, कहाँ पर ओपनिंग के लिए क्या करेंगे, और 39,000 पुट के लेवल्स भी देखेंगे जो आप कल इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, जिसकी हमारी हर वक्त, आप अगर हमारे बाकी वीडियो देखोगे तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी 99%। तो जो भी लोग फ्री कॉल का आनंद उठाना चाहते हो, इक्विटी हो, बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग हो, सभी चीजें हो, जो भी आप कॉल फ्री लेना चाहते हो, आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, तो उसमें आप जुड़ जाइए फटाफट से, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री कॉल का आनंद उठाइए। जिनके पास भी डीमैट नहीं, वो हमारे साथ डीमैट खुलवा सकते हैं, और पेड कॉल्स और जो भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है उसके ऊपर भी आप डिस्काउंट ले सकते हो और ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। और एक बार अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लोगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, हमारा परफेक्ट ट्रेडिंग का वादा है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस, कैसे ये मूव करेगा। तो देख सकते हैं आप, जहां से बैंक निफ्टी शुरू हुआ था वही आके क्लोज दिया है। लास्ट आवर पे जो सेलिंग प्रेशर बना है कंटिन्यूअसली, उसकी वजह से मार्केट पुल बैक कर गया है। तो आप ये सीधा सीधा देख सकते हैं। तो इससे क्या हो सकता है कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होके फिर से कंटिन्यू कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ये है कि 38,750 का इंपॉर्टेंट सबसे लेवल है, क्योंकि यहाँ पे जो गैप पेंडिंग है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार 38,750 का लेवल क्रॉस हो गया, तो सीधा सीधा देखिए, 38,750 का अगर लेवल क्रॉस हो गया तो 38,500 तक ये सीधा सीधा ड्रिफ्ट करेगा, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये गैप जो है वो फील होने वाला है। तो यहाँ पर ये पहला सपोर्ट ले सकता है अपना, लेकिन कंटिन्यू भी हो सकता है और 38,250 तक भी जा सकता है, ये भी एक्सपेक्टेड है। तो बहुत अच्छे चांस है कि ये फ्लैट ओपन होके सीधा नीचे नीचे चला जाए, या फिर अगर एक गैप डाउन भी ओपन होता है तो भी हम 15 मिनट की पहले ऐसी कैंडल के लिए रुकेंगे जो नीचे क्लोज दे रही हो। कौन से लेवल की? 38,750 के नीचे क्लोज दे रही हो, रेड कैंडल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 15 मिनट की कोई ग्रीन कैंडल बनती है और फिर उसका हाई अगर निकल जाता है, तो आप क्या करोगे कि सीधा बाय के लिए देखोगे, तो फिर ये ऊपर जाने लगेगा। और अगर ये गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगता है, तो ये दो जो स्विंग बने हैं दोनों दिन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेंगे। तो 39,450 के अगर कोई ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होगी, तो अगला टारगेट होगा 39,750 तक ये जा सकता। तो बहुत ही इजी टारगेट्स है कि, और जो भी सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस है। तो हम देख लेते हैं एक लेवल जो जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, तो वो लेवल है 10 फरवरी बैंक निफ्टी का 39,000 पुट ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं इसमें आप एंट्री ले सकते हो 620, यू कैन टेक द एंट्री ऑन 620 एंड योर फर्स्ट टारगेट विल बी 681, या फिर 680 विल बी योर फर्स्ट टारगेट। मतलब यहाँ पे एंट्री लो, यहाँ पे छोड़ दो, फिर ये नो ट्रेडिंग जोन होगा, और फिर नेक्स्ट एंट्री यू हैव टू टेक एट 760। ओके, 760 विल बी योर नेक्स्ट एंट्री। 760 पे पहले दूसरी एंट्री ले लो, और टारगेट होगा 830, और टारगेट विल बी 830, सो यू कैन एग्जिट एट 830। तो बहुत बड़े बड़े टारगेट है, इजीली अचीव होंगे अगर हमारे दी हुई कंडीशन में अगर मार्केट आ गया। तो उम्मीद है आपको सभी लेवल्स पसंद आ रहे होंगे, आप इस पे ट्रेड कर रहे होंगे और बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे हो, और जैसे आप कमा रहे हो वैसे अगर आप लोगों के साथ शेयर करोगे तो वो लोग भी कमाएंगे और हमारे साथ जुड़ने लगेंगे, जिससे उन्हें पता चले कि शेयर मार्केट सिर्फ गैम्बल नहीं बल्कि एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।